हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रोहित और बुमराह की वजह से मिली हार्दिक को पहली जीत। समझो इसका मतलब क्या? दिल्ली हार गई। मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल। चला भैया, हम सिर्फ अभी तक इसका मतलब एक ही गेम जीत पाए हैं। मुझे था कि शायद कुछ हो जाए, दिल्ली जीत जाए। मुंबई इंडियंस भी तो सब हार ही रही है, तो चांसेस हैं दिल्ली के जीतने के। पर नहीं जी, रोहित ने और बुमराह ने कहा भैया दिल्ली को तो जीतने नहीं देंगे, इस वाली गेम में खेल के दिखाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एक गेम जीती है अभी तक। आरसीबी कोई गेम जीती है ये बताओ मुझे? अगर नहीं जीती तो वो फिर नीचे। आरसीबी जीती है, आरसीबी भी जीती है, और मुंबई इंडियंस अब मेरी ख्याल वो भी एक जीत चुकी है। तो मेरे ख्याल से तीनों एक जीत चुकी है। वही तो कह रही हूँ, तो ये सब ये तीनों एक एक जीते हैं, तो तीनों वही उसी लेवल पे हैं। अब जो दूसरी गेम जीतेगा वो ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि अब सबकी एक एक तो जीत हो ही गई है। बताना जरा कि मैं ठीक सोच रही हूँ कि नहीं, कि भैया और भी कुछ गड़बड़ चल रही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रौनक रणतंत्र, देख रहे हैं आप, और आज हमने देखी मुंबई की पहली जीत। कायदे से तो हार्दिक भाई अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें जाकर रोहित शर्मा को अच्छे से गले लगाना चाहिए। वैसे नहीं जैसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले लगाया था। और कैसे लगाया था? उनके लिए तो हार्दिक पंड्या को कायदे से कुछ स्पेशल करना चाहिए। चाहे तो उनका आज का डिनर खुद भी बना सकते हैं। अच्छा। या फिर उनकी इस हफ्ते की लॉन्ड्री धुलवा सकते हो, या जो भी बुमराह डिमांड करें हार्दिक को कायदे से वो कर देना चाहिए, क्योंकि रोहित और बुमराह की वजह से ही हार्दिक को पहली बार जीत के दर्शन प्राप्त हुए। वरना जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे थे, लोगों ने नई गालियां इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दी। वैसे थोड़ा बहुत क्रेडिट अंबानी परिवार को भी जाना चाहिए। पिछली बार जब हार्दिक मैदान में आए थे तो मुंबई की जनता ने इतना गरियाया कि क्या बताएं। इसलिए अब की बार CSR के नाम पर 18,000 गरीब बच्चों को मैच दिखाने का फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अच्छा। ना क्रिकेट फैंस होंगे ना हार्दिक को गाली देंगे, लेकिन चलो कुछ भी हो, रिप्लेस ही कर दी ऑडियंस। मुंबई के कप्तान के रूप में पहली जीत मिली, बधाई। अगर आप भी अपना ओपिनियन देकर जीतना चाहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्राइजेस जिसमें होंगे लग्जूरियस कार्स और लाखों रुपए, तो उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे। फिलहाल बात करते हैं मैच की। मुंबई की बुरी किस्मत ने शुरू में तो चौथे मैच में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, और यहाँ पर दिल्ली ने टॉस जीतकर उनको पहले बैटिंग करना था। ये तो मुझे पता था। सारी तैयारी करके आए, क्या ही शुरुआत करी डायरेक्ट छठे गेयर पे। रोहित शर्मा ऐसे बैटिंग करने आए जैसे उनको कप्तानी से मुंबई ने नहीं दिल्ली वालों ने निकाला। आते ही पेलना शुरू कर दिया, इतनी कुटाई, इतना वॉयलेंस हो रही थी कि लग रहा था कि रोहित भाई मुंबई के लिए नहीं वासेपुर के लिए खेल रहे हैं, और दिल्ली वाले बिल्कुल वैसे ही क्लूलेस नजर आ रहे हैं जैसे पिछले मैच में सुनील नारायण के खिलाफ आए थे। लेकिन सुनील नारायण के खिलाफ अक्षर पटेल को सिर्फ एक ही ओवर मिला था। यहाँ पर अक्षर ने एक बेहतरीन गेंद पर रोहित शर्मा को बोल्ड मारकर उनकी हाफ सेंचुरी से एक रन पहले उन्हें रोक दिया। इस साल अपना पहला मैच खेल रहे सूर्या भैया भी जीरो पर आउट होकर मुंबई की इतनी ही मदद उन्होंने करी जितनी वो टीवी पर मैच देखकर कर रहे थे। और फिर अक्षर पटेल ने एक बेहतरीन रिटर्न कैच पकड़कर मुंबई के दूसरे ओपनर ईशान भैया को भी निपटा दिया। स्लो होती जा रही थी और मुंबई की बेहतरीन शुरुआत के बाद दिल्ली ने कमबैक भी कर लिया। कप्तान पंड्या ने खुद को प्रमोट तो किया, लेकिन 100-120 के स्ट्राइक रेट पर ही खेल पा रहे थे। हार्दिक भाई ने 33 गेंदों में 39 रन बनाए, फिर आउट हो गए। और क्योंकि उनके बाद आए शेफर्ड और टीम डेविड ने क्या जबरदस्त फिनिश दिलाई है मुंबई को। डेविड ने 21 गेंदों में 45 नॉट आउट बनाए, जबकि रोमारियो ने इतना मारियो कि दिल्ली वालों की सोच गई। आखिरी ओवर में 4 छक्के और 2 चौके लगाए, तो बहुत अच्छा खेला है। 34 बना दिए, दिल्ली को जीतने के लिए मिला 235 का टारगेट। रोमारियो को खेलते हुए देखकर लगा कि यार ये बंदा अभी तक गायब कहां था। मेरी ओपिनियन में तो मुंबई ने देर कर दी रोमारियो को लाने में, लेकिन देर से ही क्यों ना सही काम करने का, क्यों यही लाना था दिल्ली के टाइम में लाना था। आपने अभी तक प्रोबो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कोई बात नहीं, देर भले हो गई हो, लेकिन अगर आपकी ओपिनियन में वजन है तो आपको उसके बदले पैसे मिल सकते हैं। प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अलग अलग टॉपिक, उसने सबसे अच्छा खेला है टीम में या ना, यस या नो में ओपिनियन देकर ढेरों प्राइजेस जीत सकते हो। जैसे एक सवाल आपको मिलेगा कि क्या आज गुजरात लखनऊ के सामने जीतेगा, क्या 8 तारीख यानी कल चेन्नई कोलकाता के सामने जीतेगा। IPL के आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए, मर्सिडीज, महिंद्रा थार और भी प्राइजेस है मेरे यार, और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो, क्या समझे। चेन्नई और कोलकाता में कौन जीतता है? आगे बढ़ते हैं। 235 रन वानखेड़े के मैदान पर मुश्किल तो होने वाले थे, लेकिन दिल्ली के पास मुंबई का जवाब भी था जो कि उन्होंने खुद मुंबई से उठाया है। नाम है पृथ्वी शॉ। मुंबई क्रिकेट सर्किट में पिछले 10-15 सालों में आप किसी से भी पूछ ले, सब लोग आपको ये बताएंगे कि ये लड़का यानी पृथ्वी शॉ इतना टैलेंटेड है कि बाकियों को ये टैलेंट उधार पर दे सकता है। मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि पृथ्वी शॉ अपने टैलेंट का प्रदर्शन अभी तक दुनिया के सामने फुल पोटेंशियल पर कर नहीं पाए हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं साल 2024 उन्हीं का होगा, क्योंकि एक मुश्किल चेस में जब दिल्ली ने डेविड वार्नर का विकेट जल्दी गंवा दिया उस वक्त पृथ्वी ने दिल्ली की उम्मीदें बांध के रखी।
की। जब तक पृथ्वी मैदान पर रहे, हार्दिक और रोहित लगातार फील्ड चेंज करते दिखाई दिए और जब 40 गेंद में 66 बनाकर पृथ्वी आउट हुए तब जाकर दोनों ने चैन की सांस ली। यहां पर एक गलती ऋषभ पंत से भी हुई जब उन्होंने अभिषेक को खुद से ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। हालांकि भेजा उन्होंने स्टब्स को भी था, लेकिन स्टब्स ने उनका डिसीजन सही साबित किया। 235 बनाने में अभिषेक ने 132 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी जो कि दिल्ली को काफी खली। स्टब्स ने भी कोशिश खूब करी और आखिर तक छक्के मारते रहे और खुद भी 25 में 71 की शानदार पारी खेली, लेकिन अल्टीमेटली जीत और हार के बीच बुमराह आ गए। यार मुझे समझ नहीं आता कि कोई गेंदबाज इतना बढ़िया कैसे हो सकता है जबकि मैच में 400 वहां पर आप 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट ले जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हार्दिक को बुमराह को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि बुमराह ना होते तो 235 का टारगेट भी दिल्ली जीत जाती। मुंबई 29 रन से ये मैच जीत कर पॉइंट टेबल में अपना खाता खोल चुका है और जीतने के साथ ही दिल्ली और बेंगलुरु को पीछे करके 8वें नंबर पर गुजरात के बीच जिसमें लखनऊ वाले पहले बैटिंग कर रहे हैं। और इस मैच का पूरा हालचाल और बवाल आपको कल सुबह इसी चैनल पर मिलेगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना और प्रोमो ऐप डाउनलोड करना। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, डाउनलोड करते ही आपको बोनस मिलेगा। हाँ या ना में अपनी ओपिनियन दो और प्रोमो ऐप पर जीतो लाखों रुपए, मर्सिडीज कार और महिंद्रा। यार ये तो बड़ा ही दुख हुआ, लास्ट में वो जो टेबल दिखा दिया पॉइंट्स वाला, उससे तो भैया नहीं, तो मुझे लगा था तीनों आसपास ही हैं, एक ही लेवल पे होंगे। वो तो मैं बोल भी रही थी, मैं कह भी, मुझे लग भी रहा था, मैंने पिछले वीडियो में देखना किसमें बोला भी है कि मेरे को लग रहा है डीसी सबसे नीचे होगा और वो ही हो गया। कितनी मतलब ठीक है, डीसी वाले जो हैं सबकी लाइफ अच्छी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि चिंता मत करो, लास्ट तो हम ही रहेंगे, तुम लोग लास्ट नहीं हो पाओगे, इसे तुम्हें चिंता करने वाली बात नहीं, खेलते रहो। हमें तो हमारे मजा ही नहीं आता, डीसी लास्ट रहता है और उसका ये देखिए मैंने पहले भी कहा था, हमेशा होता है, जहां जहां ओनर जो है कोई इंडिविजुअल नहीं है यही हाल होने वाला है। बड़ा दुख हो रहा, मतलब बड़ा दुख। और दूसरी जितनी भी टीम्स हैं उसमें जो भी कोई एक पर्सन जबरदस्ती हेवीली इन्वेस्टेड है, जो बड़ा तिकड़मबाजी करके कुछ कर रहा है, यहाँ पे कंपनीज जो ओन करती हैं टीम को, उसका क्या हो रहा है नजर आ रहा है। अंबानी का ये चाल सुनी हो कि बच्चों को लेके बिठा दिया ताकि भूत आने वाले ही ना हो, प्लेयर्स को आवाज आती होगी या क्रिटिकल होगा, अपने लोग लेके आ गए, ऐसे लग रहा है, बता ना ये चाल चली कि वहां पे आप सारे बच्चों को बिठा दिया ताकि भू होए ही ना वहां पे, बच्चे चेयर करें, चेयर बच्चे बच्चों की सारी उन्होंने स्टेडियम से भर दिया, ये चाल तुम जो है एमआई के लिए चेयर करो, चेयर करो। वाह क्या चाल चली है, क्या दिमाग है यार, शातिर दिमाग। हम लोग हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऑडियंस, देखो ऑडियंस बू करती है तो ऑडियंस को ही रिप्लेस कर दो, लोग आए ना, और उस वजह से हो सकता है बू बू कम हुई हो, बताओ बू बू कम हुई थी कि नहीं हुई थी, कि इस बारी भी हुई है, पर जीते तो हैं यार, जीते तो हैं, ठीक है अच्छा खेले हैं, जीत गए, कह रहे बुमराह की वजह से मुझे लगा। डीसी वीकेस्ट टीम है तो वीकेस्ट टीम के साथ तो जीतना बनता था, बनता ही था, नहीं बुमराह ने कर दिया, अगर बुमराह नहीं होता या ठीक नहीं खेला होता तो फिर दिल्ली के जीतने के चांस, सभी को होता है, पता होता है कि डीसी जो है कमजोर है टीम, तो वो तो हारेगी और आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो जीत जाएंगे, तो वो लोग जीत गए। या डीसी ने कहा होगा हम हारते रहते हैं इन बेचारों को, थोड़ा तो जीत जीत का इनको भी थोड़ा सा चखने दो, हमने एक चख लिया, हमने एक जीत चख ली है, इनको भी चखने दो, है ये कोई बात हुई होगी। डीसी जो है अपने आप को रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है हारने में, हमेशा ही करता है, बिल्कुल भैया जिसकी जिसकी वो जगह हो, नहीं तो रिकॉर्ड बन रहे हैं उनके, नहीं जिसकी जगह हो और उसे पता हो कि भैया मेरी टीम तो कभी जीतती नहीं, वो क्या देखेगा, अगली बार अच्छा करें, कई बार अगर कोई टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती ओनर जो है उस टीम को बेच देते हैं और नया ओनर आ जाता है, कोई लेगा ही नहीं, तो यूएस में तो ऐसा कई बार होता है कि अगर टीम बड़ा गड़बड़ करती है तो ओनर्स बेच के खत्म, दूसरे ओनर्स आ जाते हैं, विच आर बेटर जो टीमों को। नहीं जब मुंबई इंडियंस में इतनी लड़ाई चल रही है बिकॉज ऑफ हार्दिक एंड रोहित, इनमें से एक जो है वो दिल्ली में चला जाए, वो तो देखना पड़ेगा, मतलब रोहित को ले लेते क्या करते हैं, रोहित को दिल्ली में भेज दें, अगर ऐसे ही चला और उन्हें पैसा नहीं कमाया दे विल सेल इट आउट और कोई और ओनर आएगा, चलो वो भी होगी, वो ओनर बेटर हो, चलो देखते हैं। पर भैया मुंबई जीत गई, मुबारक हो मुबारक हो, चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।